सुपर एट का आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ किया है। 47 रनों से अफगानिस्तान को हराया है। अब बारी है बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश वो टीम है जब भी इंडिया सामने सामने होते, खासकर T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वहाँ वही 2009, 2014, 2016 हमेशा टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने हमेशा ही बांग्लादेश को हराया है और हेड टू हेड में भी 13 बार ये टीमें आमने सामने हुई जिसमें से 12 बार इंडिया ने बाजी मारी है। तो यहाँ पर लगता है ऐसा कि इंडिया आराम से हरा देगा बांग्लादेश को, लेकिन फिर भी भाई हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी भी, और खासकर T20 जब वर्ल्ड कप हो तो वर्ल्ड कप में आप किसी भी टीम को छोटी या हल्की नहीं कह सकते। और बांग्लादेश भी देखिए उनके पास भी ऐसे गेंदबाज हैं जो कहीं ना कहीं इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो वो ऐसे गेंदबाज हैं जो पाप में विकेट लेना जानते हैं, अच्छी लेंथ पर गेंद करते हैं, हार्ड लेंथ पर गेंद करते हैं। और इंडिया के लिए दिक्कत क्या है कि रोहित शर्मा हमेशा ही लेफ्ट आर्मर के सामने फंसते हुए नजर आए, और रोहित शर्मा जो अंदर आने वाली गेंद है वो भी तंग करती है, और कभी कभी जब रोहित के रन नहीं आते बैट से तो वो अटपटा शॉट खेल के आउट हो जाते। आपने देखा होगा अफगानिस्तान के साथ भी फजल फारूकी की गेंद पर उन्होंने मन बना लिया था कि इसको मैं बाउंड्री से बाहर पहुंचाऊंगा गेंद, लेकिन वो गेंद ऊपर खड़ी हो गई और रोहित ने अपना विकेट गंवा लिया। और कहीं ना कहीं सोचना होगा रोहित और विराट दोनों को ही कि कैसे पापले का अच्छा यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरी टीमों को देखोगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वहाँ पर ट्रेविस हेड अच्छा खेलते हैं, डेविड वॉर्नर इनफैक्ट अच्छा खेलते हैं, डेविड वॉर्नर तो 53 बनाए हैं आज भी अगर देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ। तो इसलिए भाई रोहित और विराट को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, बांग्लादेश की गेंदबाजी को थोड़ा रिस्पेक्ट देना होगा कंडीशंस को, क्योंकि ये मैच भी तो एंटीगा में है ना, जहां पर गेंद थोड़ा सा फंस कर आता है, और इनिशियल स्टेज में अगर आप देखोगे तो गेंदबाजों को मदद मिलती है। और ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान एक ऐसे गेंदबाज हैं जो लहराना जानते हैं गेंद को, और मुस्तफिजुर रहमान कहीं ना कहीं देखना होगा भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि उनका डेथ ओवर तो बड़े स्पेशलिस्ट माना जाता है उनको, लेकिन सबसे अहम बात क्या है, रहमान पिछले कई साल से लगातार IPL खेलते रहे, और ऐसे में उन्हें भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरियों का पता भी होगा। रहमान सबसे ज्यादा कप्तान रोहित शर्मा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं जो पिछले कई मैचों से लगातार बाएं हाथी गेंदबाजों के खिलाफ आउट होते हुए नजर आए हैं। रहमान अगर देखा जाए 101 T20 मैचेस खेले उन्होंने और 101 मैचों में 127 विकेट इस गेंदबाज के, तो ऐसे में रोहित शर्मा को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, खासकर मुस्तफिजुर रहमान के साथ। इसके अलावा एक और गेंदबाज है, उनका नाम है रिशाद होसेन। भारतीय टीम को बांग्लादेश के युवा स्पिनर राशिद होसेन से भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 5 मैचों में 9 विकेट झटके थे। अफगानिस्तान मैच के दौरान राशिद खान ने भारतीय टीम के लिए काफी मुश्किलें खड़ी की थी, तो ऐसे में रिशाद होसेन भी ऐसा ही कमाल कर सकते हैं। और देखिए वहां पर स्पिनर के भी लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होगा ये ट्रैक, और अगर यहां का अगर आप देखोगे सर विवन रिचर्ड स्टेडियम में, तो यहां का बैटिंग सरफेस प्लस बॉलिंग दोनों को ही मदद करता है, तो ऐसे में स्पिनर भी कम इनटू प्ले आ जाएंगे तकरीबन जैसे ही 10-15 ओवर के बाद, और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं रोहित अच्छा खेले, लेकिन रोहित को भी ना थोड़ा सा चेंजेस करना होगा अपने प्लान में, क्योंकि प्लान ए अगर सक्सेस नहीं है तो प्लान बी पे जाना होगा। तो इंडियन टीम को कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सतर्क करना भारतीय बल्लेबाजों को। और शिवम दुबे का क्या होगा, क्या वो मैच में खेलेंगे या जायसवाल आएंगे ओपन करने, दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है इंडियन टीम को क्या कॉम्बिनेशन के साथ छेड़खानी करनी चाहिए, क्या रोहित विराट की जगह रोहित और जायसवाल को ओपन करना चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं कई सारे सवाल हैं इस मैच को लेकर, और भारतीय टीम को टॉप फोर से पहले जो जो वीक लिंक है उनको अच्छा करना होगा। तो फिलहाल यही राय है